हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के साथ खड़ी होगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इनेलो सपा बसपा की मदद करेगी, ये कहना है इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला का। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए वो पूरे तो नहीं किए, लेकिन यूपी में वो सपा बसपा का साथ देंगे। अभय चौटाला मेरठ के शंभुनगर में अपने परिचित विनीत पाल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनेलो परिवार को कांग्रेस के लोगों ने तोड़ा है, इसलिए वो कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में कोई मदद नहीं करेंगे। जबकि बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े वादे करके देश की जनता को गुमराह किया है, इसलिए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में उन दलों की मदद करेगी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हरा रहा होगा। हरियाणा में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले अभय चौटाला को यूपी के सपा बसपा गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अभय चौटाला ने कहा कि यूपी में सपा और बसपा का अपना वोट बैंक है, इस लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है, ऐसे में सपा बसपा गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हरियाणा के चौटाला परिवार में विवाद के कारण बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन तोड़कर सांसद राजकुमार सैनी की पार्टी से गठबंधन कर लिया है। इसके बावजूद भी अभय चौटाला अब भी बसपा से उम्मीद लगाए हुए हैं।